दिया है वीआईपी शेयर का। और वीआईपी शेयर बताने के लिए शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला जी बताइए, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी टॉप ट्रेड आप लेकर आई हैं? हाँ, तो आज हमने डेटा देखा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में SIP रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ा है, और हम ये देख ही रहे कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो उसके चलते मैंने कैम्स, इनके नतीजे भी बहुत बेहतरीन है, उनके जो यू नो द एसेट्स दैट केटर टू, उनके AUM में काफी अच्छी बढ़त हुई है और अच्छे नतीजे आए हैं, तो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि ये स्टॉक हम ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा पहला टारगेट इस लॉन्ग टर्म है और टारगेट 3800 रहेगा। खरीदारी की राय 12 महीने के टाइम होराइजन के साथ आप खरीद सकते हैं और 3800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। शर्मिला बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। तो ये राय थी कैम्स पर, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आज अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। फैक्ट की बात करें तो करीब 11% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है, 10.5 से 11% की तेज़ी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पर भी 9 से 10% की तेज़ी दिखी है, और GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी भी 6% ऊपर है। ऐसे कोई इंक्रीमेंटल फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस रूरल इंडिया पर होगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग को लेकर होगा, जिसके चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शायद आज तेज़ी दिखी है। लेकिन टेक्निकल राय ले लेते हैं। अक्षय जी, आपसे पूछना चाहूँगी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, फैक्ट, GSFC और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स? तो देखिए, मॉनसून का स्टार्ट हो चुका है और एक थीम रहता है नॉर्मली, आप जून जुलाई में देखें बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक चाल बनती ही है तेजी की, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अभी जुलाई में बजट भी होगी, जहाँ चलते बहुत सारे स्टॉक्स शायद फर्टिलाइजर रिलेटेड सेक्टर को अनाउंस की जाए, तो उसके चलते एक सेंटिमेंटल बूस्ट हमको आज बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले RCF की बात करूँ तो बहुत ही दमदार मूव है, डे ट्रेडिंग में 185 से 190 जाने की तैयारी कर रहा है, तो बाय जरूर कर सकते हैं। करंट रेट में भी आप 8% आप पे फिर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोजिशनल या 10 से 15 दिन होल्डिंग के तौर पे, तो बाय करें। 185 का टारगेट RCF में, सपोर्ट एरिया है 155। चलते हैं फैक्ट पे, जो है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावेनकोर, इसने एक रेंज कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करा है, करीबन 1.5 से 2 महीने का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन साइडवेज एक्शन के बाद बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट दिखा है 750, जो इसका अभी एक बेस बनेगा, और स्टॉक 900 की जाने की तैयारी कर रहा है, तो 900 का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस, ये आपका ट्रेड बैठेगा फैक्ट में। और लास्ट अगर मैं GSFC की बात करूँ, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर की, तो ये एक पॉसिबल डबल बॉटम, जो एक बुलिश पैटर्न है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में, तो ये बनाते हुए दिख रहा है स्टॉक, जिसका पॉसिबल टारगेट प्रोजेक्शन बनता है 260 का, तो 260 का टारगेट और 195 का सपोर्ट, ये आपका ट्रेड बैठ रहा है GSFC में। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव या बुलिश हूँ फर्टिलाइजर स्पेस में, और तीनों स्टॉक जो आपने मुझे जिनकी व्यू आपने पूछे है बहुत बढ़िया है चार्ट्स पे, तो तीनों आप लेने की मैं सलाह दूंगा दर्शकों के लिए। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ऑलरेडी आज तेजी दिखी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। फैक्ट पर 900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है अक्षय ने, और GSFC पर 260 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य।